थोड़ा ध्यान लगा के सुनना, इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति है जो राम मांगे और वो मना कर दे? पूरी रामायण में इकलौता ऐसा है भक्त, भक्त की बात कर रहा हूं, रावण की नहीं। राक्षसों की बात तो कर ही नहीं सकते ना, राक्षस तो वो तो अपने ही धुन में रहते हैं, वो तो राक्षसों की क्या बात करें। जो भगवान को प्रेम करते हो, भगवान को मानते हो, उनसे आप कुछ मांगो वो मना, राम मांगे क्या वो मना कर सकते हैं? सपोज राम जी आपसे कहे कि भाई आप अपने मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम कर दो, कौन कौन कर सकता है? राम जी कहे कि अपने मकान की रजिस्ट्री कर दो, कौन कौन करेगा? हाथ उठा के रखो। और जिन जिन ने हाथ नहीं उठाए उनको टेस्ट कहा, साहब अभी तो हम कहाँ मरेंगे जाके, फिर अभी हमें भी तो जिंदा रहना। ये वो मायावादी लोग हैं जो राम को भी मकान नहीं दे, हमारी जान चली जाए पर मकान नहीं दे महाराज। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि राम मांगे मकान तो कुछ नहीं, अपनी जान भी राम जी के हवाले कर सकते हैं विद इन सेकेंड। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग मौजूद हैं। कौन कौन है ऐसे जो जान भी दे सके राम? वेरी गुड, भगवान करे ये वचन आपका सत्य हो, मिथ्या ना हो। हम जान दे सके लेकिन केवट करे नाम नहीं लाना। हम क्यों नहीं लानी नाम? बोले महाराज हमने सुना है, सुना है हमने, जादू है राजा जी के पद पंकज में। महाराज हमने सुना है आपके चरणों में कोई जादू छिपा है। जरा ध्यान से सुनिए, प्रेमी भक्त ज्ञानी केवट का प्रसंग है, बहुत प्यारा भक्त है। रामायण में, पूरी रामायण में इकलौता ऐसा भक्त है और कोई नहीं। सुना है मैंने जादू है राजा जी के पद पंकज में, पत्थर में जान डालने की है शक्ति चरणों की रज में, पत्थर और शिला पे इसका इस तरह असर होवे, मेरी काट की नौका तो छूते ही छूमंतर होवे। हे महाराज मैंने सुना है कि आपके चरणों की रज में कोई जादू है, और वो ऐसा जादू है वो चरणों की रज किसी से भी लग जाए। अब देखो एक बात बताएं, केवट जी कह रहे हैं कहो तुम्हार मरम में, ये पहला व्यक्ति है जो कह रहा है राम से आपका मरम में जानता हूं। वेद कहते हैं हम भी नहीं समझ पाए आज तक, ब्रह्मा जी कहते हैं हम भी नहीं, नेति नेति कह वेद पुकार, नेति नेति आदि मध्य अंत हमें नहीं पता। वेद कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं आपका बनाया हुआ आपको कैसे जान सकता हूं। शिव जी भी रात दिन भजन धोनी का करें पर कहते हैं आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आपको आज तक हम भी नहीं समझ पाए। लक्ष्मण जी 2400 घंटा राम जी के साथ रहते हैं, 2400 घंटा राम जी के साथ रहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास बाबा लिखते हैं, लक्ष्मण हूँ ये मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। 2400 घंटा साथ में रहते हैं पर लक्ष्मणु ये मरम न जाना, लक्ष्मण भी नहीं जानते। और ये क्या आज पहली बार मिल रहा है? पहली बार आज तक मिला नहीं है राम जी से। और क्या कह रहा है, कहू तुम्हार मरम में जाना, कहू तुम्हार मरम में जाना, मांगी नाव न के बटवाना,
मांगे राम न के बटवाना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना, कहे वो तुम्हार मरम में जाना। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।